हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड मेरे टिप्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, मैंने कई सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं जन्माष्टमी स्पेशल के, जन्माष्टमी की झांकी के लिए, और उन्हीं में से वीडियो में से एक ये भी है वीडियो। और मैं जो भी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होता है, बजट फ्रेंडली होता है और आप घर की चीज़ों से ही बना सकती हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कालिया नाग और कान्हा जी की लीला वाली झांकी। हाँ फ्रेंड्स, आपके साथ मैं कालिया नाग और कान्हा जी की लीला वाली झांकी आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। इसको भी अगर आप बना के ऐड कर लेंगे अपनी झांकी में तो आपकी झांकी और भी रियल और भी खूबसूरत लगेगी फ्रेंड्स। और ये इतनी सिंपल मैंने इजी तरीके से मैं आपको बनाना बताने जा रही हूँ कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो भी अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी घर की चीज़ों से इसको बना सकते हैं। इतना सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से ये बनाई जा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसके लिए लिया है ब्लैक कलर का क्ले और उसी से मैं मैं कालिया नाग का ये पार्ट में बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक ऊपर सबसे पहला वाला उनका मुंह बनाया है इस तरीके से। इसका इसी तरीके से आपको दो इधर साइड में और दो इधर साइड में दोनों तरफ कुल मिला के पाँच इनके इस तरीके से मुंह, जो इस तरीके से चेहरा बना लेना है सर, और उनको लाइन से एक के बाद एक इसी में साथ में जोड़ते हुए जाना है। अगर आपके पास क्ले नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में जो धूप होता है ना जिससे हम लोग पूजा करते हैं वो धूप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी ब्लैक कलर का ही होता है और वो अगर सॉफ्ट और मुलायम ही होता है, कितनी आसानी से हम लोग देखिए धूप बना लेते हैं, उसी टाइप का आपको जैसे धूप ले लेना है और उसी से आप इस तरीके से इसको नाक का रूप दे सकती हैं। इस तरह का आपको एक के बाद एक आपको जोड़ते हुए जाना है और ये आप धूप से बना सकती हो इस तरीके से। देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, ये इतना इजी है ना कि ऐसे घर में जो बच्चे होते हैं वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं, क्योंकि कान्हा जी की जो झांकी होती है जन्माष्टमी की झांकी, उसको लेकर बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो भी कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं झांकी को लेकर। तो मैं इस यही सोच के मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसा सिखाती हूँ जिसको बच्चे बहुत आसानी से बना लें और उनको कोई भी दिक्कत ना आए। तभी मैंने ये झांकी के लिए ये छोटा सा बनाने के लिए सोचा ये छोटा सा लीला कि बच्चे कितने इससे एक्साइटेड होंगे, बनाना भी उनको आएगा और एक नई चीज़ सीखेंगे, तो और वो भी घर की ही चीज़ों से, आपको बाहर की कोई चीज़ खरीदने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए कितनी आसानी से इसका कालिया नाग का हम फेस इस तरह से बना ले रहे हैं और इनको लाइन से एक के साथ एक ऐसे जोड़ते ही जाना है जैसे मैं जोड़ रही हूँ इस तरीके से। और बीच का जो चेहरा है इनका आगे का, इसमें उसको थोड़ा सा आपको बड़ा रखना है और उसका थोड़ा सा हैवी रखना है, और उसके साइड साइड में जो और भी फेस हमने ऐड किए हैं उनको जो है थोड़े छोटे छोटे आपको कर देने हैं कुछ इस तरीके से कि ऐसा लगे कि ऐसे वो नाक का आपको लुक दे देना है और कुछ नहीं इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसका लुक क्रिएट कर सकते हैं और इसको एक के साथ ऐसे एक नीचे की ओर जोड़ देना है कि सबका सर अलग अलग रहे लेकिन नीचे का जो धड़ है वो एक ही में मिक्स हो जाना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे अलग अलग हो। उसके बाद मैंने यहाँ देखिए वाइट क्ले लिया है। वाइट क्ले की जगह आप घर में जो है मैदा है तो मैदा भी वाइट कलर का ही होता है, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और या तो जैसे आपके पास वो क्या कहते हैं उस वाइटनर नहीं होता है, वाइटनर का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, वो भी देखो वाइट कलर का होता है, उससे भी इसकी आइज़ आप बना सकती हो। ज़रूरी नहीं आप क्ले का ही इस्तेमाल करो, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ फ्रेंड्स कि घर की कोई जो चीज़ें हैं वो भी मैं लगातार आपको बताती जा रही हूँ कि अगर आप बाहर की चीज़ें नहीं खरीदना तो घर की चीज़ों से भी आप ऐसे बना सकती हो। ये कुछ इस तरह से हमारा बन के रेडी हो गया है। उसके बाद में हम बनाएंगे नीचे का पार्ट, यानी एक तरीके से वो तालाब या वो नदी उस तरीके से वो बनाएंगे। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये लिया है छोटा सा एक ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा और इसको मैंने बिल्कुल गोल काट लिया है और इसी के ऊपर मैं ये येलो कलर के कागज़ से इसको रैप करूँगी।
येलो की जगह आपके पास ब्लू कलर का कागज़ हो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा नदी का लुक देता है ना फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कह रही हूँ। मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ येलो कलर का लिया है कागज़, और इसी के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं देखिए ये क्ले ले रही हूँ, और क्ले इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा जैसे चिपटा कर दिया है, इस तरीके से दबा दिया है, और इसकी चौड़ाई से इस तरीके से लगाते हुए आपको ऐसे फिक्स कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए ऐसे आपको इसमें ऐसे लगा देना है। ये बहुत ही इजीली इसमें लग जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैंने कहा ना ये बच्चे आसानी से बना सकते हैं, और खेल खेल में वो सीखेंगे भी। और अगर आपके पास क्ले घर में रखा हो तो कहना ही क्या, उसका अच्छा खासा आप यूज कर सकती हो। उसके बाद में ये देखिए मैंने जो तालाब बनाया है उसके एक साइड में मैं इसी जो हम मैंने अभी नाग बनाया था कालिया नाग, उसी को मैं इसे फिक्स करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने वाइट कलर का ये क्ले लिया है, इसी को बीच में रख के और उसी के साथ में इसको अटैच कर दूँगी। बहुत ही आसानी से ये कुछ इस तरह से मैं अटैच कर दूँगी। ये देखिए ये है ना, देखिए हमारा ये तालाब भी बन के रेडी हो गया है, और उसके साथ में हमने कालिया नाग को भी वहाँ साइड में फिक्स कर दिया है। अब इसकी जगह आप बड़ा बनाना चाहें तो मैंने एक छोटा सा आपको दिखा दिया नमूने के तौर पे कि इस तरह से आप बना सकते हो, इसकी जगह आप बड़ा भी बना सकते हो। और इसके बाद मैंने ये लिया है पिक, ये आपको जो फ़ोटो फ्रेम की दुकानें होती हैं जहाँ जो भगवान की जो फ़ोटो मिलती हैं वहाँ आप लेना चाहो तो वहाँ आसानी से आपको इजली ये वाली पिक मिल जाएगी कान्हा जी की। और उसी पिक को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, और उसी के मैं देख ये देखे कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा है उसी के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ताकि ये जो है बिल्कुल लूज ना रहे, थोड़ा इसमें कड़ापन आ जाए। और ये देखिए हमारा ये चिपक के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसी को मैं जो है इस पर ऐसे फिक्स करूँगी। इसको फिक्स करने के लिए भी मैं यहाँ पीछे से क्ले का ही इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए इसको क्ले को जो है इसमें इस तरह से लगा देना है, और इसके साथ में पीछे से आपको इसको ऐसे फिक्स कर देना है। ये कुछ इस तरह से आपको फिक्स कर देना है, और इसी में ये आसानी से देखो लग गया। ये हमारा कुछ इस तरीके से लुक दिखाई दे रहा है कि शेषनाग के ऊपर हमारे कान्हा जी इस तरह से खड़े हैं और देखिए मुरली बजा रहे हैं। ये हमारा लुक कुछ इस तरह से बनके रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा हम इस तालाब को भी डेकोरेट करेंगे फ्रेंड्स। इस तालाब को भी हम डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ लेस लिया है, एक कलरफुल लेस। इसी को मैं साइड से इस तरह से इसको इसके चारों तरफ मैं इस तरह से फिक्स कर दूँगी, ये कुछ इस तरह से। ये देखिए ये थोड़ा सा इसको तालाब को भी थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसमें ग्रीन कलर का लेस हो तो ग्रीन कलर का भी आप लगा सकती हो, और मेरे पास ये कलरफुल था तो मैंने ये मल्टी कलर का लेस लगा दिया। और उसके बाद में मैं यहाँ बीच में ये फ्लावर फिक्स कर ले रही हूँ, और इसके साइड साइड में मैं छोटे छोटे ये पम्पम लगा रही हूँ, इस तरह से रख रही हूँ ताकि ऐसे हमारा तालाब भी थोड़ा सुंदर लगे। कुछ इस तरह से आपको डेकोरेट कर देना है। डेकोरेशन तो आप अपने तरीके से किसी तरीके से भी कर सकती हो, मैंने केवल आइडिया आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स कि इस तरह आप समझ लीजिए कान्हा जी के लिए एक और लीला वाली झांकी, ये कालिया नाग की लीला वाली झांकी आप बना सकते हो घर में ही, और इसको झांकी में ऐड करके और भी अपनी झांकी को और भी रियल और खूबसूरत बना सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये मेरा छोटा सा आइडिया आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।